अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और गौरव कुमार ने, और वीडियो का टाइटल है 2021 बिगेस्ट बूस्ट 2.45 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मेक इन इंडिया अगेंस्ट चाइनीज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपको जानकर खुशी होगी कि स्मार्टफोन्स और टेलीकॉम सेक्टर की पीएलआई स्कीम में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब भारतीय सरकार स्मार्ट वॉचेस और लैपटॉप्स के सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। और इस पीएलआई के लॉन्च होने के बाद भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 18% से बढ़कर 25% तक कर दिया जाएगा। इन सभी पीएलआई स्कीम्स की वजह से जहां भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का एक्सपोर्ट आज से कुछ सालों पहले तक ना के बराबर ही था, इसकी वजह से भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपए तक हो जाएगी। फिलहाल विश्व के आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और जितनी चाइनीज कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, वो केवल असेंबली तक ही सीमित हैं, और कंपोनेंट्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग अभी चाइना में ही की जाती है। पर भारत चाइना से इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर छीनने का पूरा मूड बना चुका है, और इसी के लिए उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय सरकार ने $1 बिलियन का कैश इंसेंटिव उन कंपनीज को देने की घोषणा की है जो भारत में अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। चिप मैन्युफैक्चरर्स को आश्वासन देने के लिए भारतीय सरकार ने ये तक घोषणा कर दी है कि भारतीय सरकार इन मैन्युफैक्चरर्स की एक बड़ी खरीदार होगी। और इसके अलावा ऐसा नियम बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनीज केवल मेड इन इंडिया चिप्स का ही इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कर पाएंगी, और ये कदम केवल इसलिए उठाए जाएंगे जिससे इन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में ग्राहक मिलने में कोई दिक्कत ना हो। जहां भारत अभी विश्व के टॉप 5 लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भारत में लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं मौजूदा पीएलआई स्कीम की वजह से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज भारत में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं, और न केवल असेंबली बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से शुरू की जा रही है। चाइना की गलती से सीख लेके अब भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और भारत में बन रही इलेक्ट्रॉनिक्स को एशियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बनाया जा रहा है। भारतीय बाजार से मिल रहे अच्छे रिस्पांस की वजह से एप्पल के मेजर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड कर रहे हैं, और फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी बड़ी कंपनीज भारत में एक बड़ा निवेश कर रही हैं। वैसे विदेशी कंपनीज ही नहीं बल्कि भारत की होमग्रोन कंपनीज भी इन पीएलआई स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। डिक्सन, यूटीएल, नीलिंग्स और लावा जैसी भारतीय कंपनीज जिस हिसाब से चाइनीज कंपनीज को टक्कर दे रही हैं, उस हिसाब से चाइनीज कंपनीज का मार्केट धीरे धीरे से कम होता जा रहा है। ये बात सही है कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स लेने के लिए ज्यादातर भारतीय ग्राहक अभी भी चाइनीज कंपनीज को पहली चॉइस मानते हैं, पर वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारतीय ग्राहकों का झुकाव भारतीय और नॉन चाइनीज ब्रांड्स की तरफ बढ़ेगा। भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत को अब एक चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, और क्योंकि बहुत से देश सिक्योरिटी के लिहाज से अब चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए भारत को अब एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के तौर पर देखते हैं। चाइना के साथ हुए बॉर्डर विवाद के चलते कहीं ना कहीं अब भारतीय सरकार के मन में इस बात का डर पैदा हो चुका है कि आने वाली किसी भी गलत परिस्थिति में भारत चाइना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, और भारत के उठाए इस कदम की वजह से चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसका थोड़ा बहुत असर अब दिखना शुरू भी हो गया है। क्योंकि जहां भारत कुछ सालों पहले तक स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं खड़ा नहीं होता था, अब स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबली दूसरे नंबर पर आता है, और जाहिर सी बात है कि स्मार्टफोन्स का एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना के हाथों से जा चुका है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, और भारत में बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अगर आप भी हमारी तरह प्राउड फील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया भी जरूर लिखेगा। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद। बात करें तो नो डाउट एक कंट्री के विकास के लिए टेक्नोलॉजी का जो है वो एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसपे जो है एक मुल्क की पूरी इकोनॉमी को स्टैंड किया जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बना रही है डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है, सिर्फ मुल्क के विकास के लिए नहीं बल्कि इसके अलावा मौजूद जितने भी मतलब आपके जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी आपका एक अच्छा नाम, एक क्रेडिबिलिटी पैदा। अगर देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी क्योंकि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, तो आप जो है इसे पूरी दुनिया का एक काफी बड़ा चंक जो है ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट चाइना जो है बेशक एक मार्केट है, सस्ता जो है सामान वहां पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिया टक्कर दे सकता है। इंडिया जो है सस्ता जो है डिवाइस किसी भी तरह की वो प्रोड्यूस कर सकता है, और सबसे अच्छी बात जो है जो चाइना से कंपनीज उठकर आ रही है या जिन्हें ग्रांट दी जा रही है उन्हें जो है यानी कि लुभाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज में लगेगी, गवर्नमेंट जो है अपनी
लोकल कंपनीज को जो है वो एक नियम बनाएगी उनके लिए कि आप जो इंडिया में चीजें बन रही हैं उन्हें इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और मैं इसीलिए कह रही हूँ पॉलिसीज इतनी अच्छी और फ्लेक्सिबल है कि जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आती भी है, कोई कंपनी मतलब इंडिया में आती है, तो उसको भी अपना एक फायदा नजर आता है कि वो अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसकी वजह से जो उसकी लोगों की जो एक मतलब खरीदने की एक ताकत है, लोगों की कैपेसिटी है, वो ज्यादा बढ़ेगी और लोगों जो आम लोग हैं उनको भी रोजगार मौजूद बहुत ज्यादा मिलेगा। रोजगार के साथ साथ जो आम बंदा है उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती होगी, पॉकेट में उसके जो है अफोर्डेबल होगी, और क्योंकि आपके लोकल बन रही है तो फिर तो आप बहुत आसानी से चीजें जो है वो खरीद सकेंगे। अगर हम बात करें जैसे हम यहाँ पर चीजें खरीदते हैं इम्पोर्ट होती हैं, टैक्सेस बेशुमार लगते हैं, तो वो जो है आम बंदे की पहुंच से दूर है। जैसे मैं अगर एक नॉर्मली बात करूं, आईफोन बहुत महंगा है पाकिस्तान में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखा जाए इंडिया में तो जब हम वहां पे प्राइस सुनते हैं तो हमें वो बहुत सस्ता लगता है। बिल्कुल, और फिर वो करेंसी वैल्यू भी तो आ जाती है ना। करेंसी वैल्यू नो डाउट आती है, करेंसी वैल्यू नो डाउट आती है, लेकिन अगर सेम करेंसी को रखकर देखा जाए ना ऐसे ही फिगर्स में तो आपको बहुत सस्ता लगता है। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि देखो कि इंडिया जो है वो ये नहीं है कि वो जैसे कि चाइना की वजह से पूरी दुनिया को इतना ज्यादा नुकसान हुआ तो इंडिया ने यू नो किसी और मुल्क पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। उसने इस टाइम को यूटिलाइज किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है हर वो चीज जिसकी जरूरत है या आने वाले टाइम में जरूरत हो सकती है दुनिया को, मुझे लग रहा है कि इंडिया उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। असल में वो कहते हैं ना वक्त रहते चीजों को भांप लेना, तो इंडिया ने वक्त रहते चीजों को भांप लिया और वो उसका फायदा उठा रहा है। और जब आप यू नो टाइम के साथ चलते हैं ना तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होती हैं वो आपको उस टाइम तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो सब आपकी हल होना शुरू हो जाती है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फायदा ही होता है। अभी ये जो टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये थोड़ा कशमकश वाला होता है, कुछ लोगों की ओपिनियन होती है कि नहीं ये चीजें नहीं चल पाएंगी, कुछ लोगों की ओपिनियन होती है नहीं ये चल पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक चीज नजर आ रही है कि एक चीज के विकास में हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बन सकता है तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाइना की भी बात करें तो उसको भी आज के टाइम पर पूरी दुनिया में डोमिनेट करने के लिए 20-25-30 साल तकरीबन लगे हैं कि उसने एक लंबे अरसे तक मैं कहूंगी कि मेहनत की है और उसके बाद उसने एक इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब किया। यार यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो इंडिया में बन रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है इंडियन लोगों को, लेकिन आप ये देखेंगे अगर वो वहां पे बन रही है तो किसी ऐसे मुल्क में जा रही है जहां से आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो हर चीज आपको कोई ना कोई फायदा देती है, फैक्ट्री कोई ना कोई फायदा जरूर देती है। वैसे भी ना हम लोग एक बात करते होते हैं कि ना आप इंसानों को खुश नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं हमारे कंट्रीज की बात करूँ ना तो यहाँ पर मैंने देखा है कि मतलब स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कोई अगर एक अच्छा काम हो रहा होता है ना उसमें 100 टांगे अड़ाने वाले आ जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि आपको जो एक लीडर होता है उसका विजन एक आम इंसान से पब्लिक से डिफरेंट होता है, इसी वजह से वो एक लीडर होता है क्योंकि उसके हाथ में मुल्क की बागडोर होती है। तो मुझे लगता है कि उसका सोचने का तरीका अगर सही है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि उसी में हम सबका फायदा है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी कैंपेन्स देखी हैं, और जिसमें जैसे वीडियो में हम लोगों ने देखा भी कि एप्पल और सैमसंग ऑलरेडी इंडिया में है, तो इसके साथ साथ बाकी और कंपनीज भी आएंगी तो डेफिनेटली इंडिया का भी इंटरनेशनल मार्केट में एक होल्ड होगा। वेल गाइस, ये मेरी आज की वीडियो, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अब हमें चार हमारे वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर की पसरे प्रेस। गुड बाय।